वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। जब एन फ्रैंक पहली बार डायरी में लिखती है तो उसके लिए ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। जब कोई काम हम पहली बार करते हैं, जैसे पहली बार जब आपने साइकिल चलाई होगी तो आपको स्ट्रेंज लगा होगा, अजीब लगा होगा, तो उसको भी जब, क्योंकि उसने आज से पहले कभी डायरी नहीं लिखी है इसलिए उसको स्ट्रेंज लग रहा है। बस इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे, एन फ्रैंक हैड नेवर रिटन इन डायरी। उसने कभी आज से पहले कभी डायरी लिखी ही नहीं थी। She was doing this first time. वो पहली बार लिख रही थी, so it was a strange experience for her. इसलिए ये वो उसके लिए एक strange experience था. Next, why does Anne want to keep a diary? भाई वो डायरी क्यों रखना चाहती है? ऐसा था क्योंकि उसके कोई खास दोस्त नहीं थे जिसके साथ वो अपना पर्सनल बातें शेयर कर पाए, तो वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो यार एक डायरी लूं और उसमें जो भी मेरे थॉट्स होंगे, जो भी मेरे विचार होंगे सब लिख लूंगी, इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती है। And does not have any close friends, therefore she decides that she will keep a diary. उसके कोई close friend नहीं है, इसलिए वो decide करती है कि वो एक diary को रखेगी and will write her thoughts in that. और उसी के अंदर अपने सारे विचारों को लिखेगी. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne Frank को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी डायरी में ज्यादा कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब है अपनी बातें ज्यादा शेयर कर सकती हूँ रेदर देन लोगों के साथ। तो इस इमेज को देखो चिल्ड्रन, सपोज करो ये एन फ्रैंक है सपोज, तो वो क्या महसूस करती है कि भले से मेरे दोस्त हों कितने सारे, लेकिन हो सकता है कभी वो मुझे इग्नोर करें या मैं उनके साथ अपना पर्सनल स्टफ ना शेयर कर पाऊं, तो इससे बढ़िया तो ये रहेगा यार एक डायरी को ही दोस्त बना लूं और उसमें जो भी मेरे थॉट्स होंगे मैं वो ही लिखूंगी। ठीक है, तो देखो And felt that paper had more patience than people. जो पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस है, मतलब उसके ऊपर जो भी बात लिखोगे पेपर कभी मना नहीं करेगा और लोग क्या है, दोस्त क्या है, वो इग्नोर कर सकते हैं जैसे कि ये कर रही हैं लड़कियां इसको। She can easily write her all feelings. वो अपनी सारी फीलिंग्स भी पेपर पे ऊपर आसानी से लिख सकती है without being dependent on anyone. और इसके लिए उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि कोई यार मुझको टाइम दे दे, यार मेरी बात सुन ले ना। Therefore she thought, इसलिए वो सोचती है, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन में से उतारी है, that she could confide more in her diary than in people. कि भैया लोगों से ज्यादा तो मैं अपना डायरी में ही बातें लिख सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत टाइम बहुत मेहनत लगता है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। थैंक यू चिल्ड्रन। Why does Anne provide a brief sketch of her life? तो जब वो डायरी लिखने बैठती है तो वो एक छोटा सा ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड कराती है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में? इस बात को हम ऐसे समझेंगे चिल्ड्रन, आपने छोटे पे रामायण शो जरूर देखा होगा, तो रामायण में जब भगवान राम के बारे में बताते हैं तो उनको ये भी बताते हैं उनके भाई कौन थे, उनकी वाइफ कौन थी और उनके सेवक कौन थे, उनके माता पिता कौन थे। तो एज एन ऑडियंस हम ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए वो भी चाहती थी जब कभी कोई मेरी डायरी पढ़े तो मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो रीडर्स हैं, वो उस बात को समझ चुके कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली कौन है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और जो रीडर्स हैं जब भी वो कभी मेरी डायरी को पढ़े तो वो बेहतर कनेक्ट करें। एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, पूरा का पूरा मैंने यहीं से उतार दिया क्वेश्चन से, बिकॉज दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसका एक कनेक्शन डेवलप होगा ऑथर के साथ, और यहां ऑथर कौन है? एन फ्रैंक। व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर, किस बात से हमें ये पता चलता है कि जो एन फ्रैंक है अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता है जब दादी मर जाती है उसके बाद जब उसका बर्थडे आता है तो वो एक कैंडल अलग से जलाती है दादी के लिए, दादी के बिहाफ पे। तो ये वाली बात हमको ये बताती है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैंडमदर की डेथ के बावजूद, एन लाइट्स एन एक्स्ट्रा कैंडल ऑन हर 13th बर्थडे, वो अपने 13th बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल और जलाती है ऑन बिहाफ ऑफ हर ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर की साइड से।
दिस टेल्स अस, ये ही हमें बताता है दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। भाई कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उसके नाम की वो कैंडल जला रही है, उनको याद कर रही है, तो ये बात काफी है हमें ये बताने के लिए कि वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, व्हाट डिड शी डू, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। अब मिस्टर कीसिंग कौन है, उसके मैथमेटिक्स टीचर थे, वो उससे इरिटेटेड क्यों रहते थे, क्योंकि हर टाइम वो बहुत ज्यादा बात करती थी। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन, देखो हमने क्वेश्चन से ही आंसर बनाया पूरा का पूरा क्वेश्चन, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला बच्चा। ही पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने उसको कैसे पनिश किया, उसको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे दिया, इससे दे दिया लिखने के लिए। चिल्ड्रन अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, englishbaba.eb, वहां पे आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। भाई जो उसके टीचर थे, ये जो बैठे थे, जब उसको एक एसे देते हैं कि चैटरबॉक्स पे एसे लिखो, तो वो किस कैसे अपनी बात को जस्टिफाई करती है। भाई वो ये कहती है कि मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातूनी है, वो भी बहुत बात करती है, और मुझको ये बात करने वाला फीचर अपनी मम्मी से मिला है, तो भैया मैं कुछ कर ही नहीं सकती। एंड जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। देख रहे हो, अगर आप चिल्ड्रन देख रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप क्वेश्चन में से ही आंसर को बनाओ। एंड जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटरबॉक्स पूरा क्वेश्चन से बाय एक्सप्लेनिंग दैट शी हैज गॉट हर टॉकिंग ट्रेट, कि बात करने वाला जो उसका ट्रेट का मतलब है नेचर है, उसको वो उसे कहां से मिला है, फ्रॉम हर मदर, उसकी मम्मी से मिला है, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातूनी थी, एंड सो शी कांट हेल्प इट, इसलिए भैया वो अब इसका कुछ नहीं कर सकती, ये तो भाई मम्मी से मिला हुआ करेक्टर है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि सचमुच में जो मिस्टर कीसिंग थे, जो मैथ्स टीचर थे, वो सचमुच में बहुत स्ट्रिक्ट थे? नो, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट अ रिजिडली स्ट्रिक्ट टीचर, ऐसा नहीं था कि वो भाई साहब सचमुच में बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, नो। बट ही जस्ट वॉन्टेड हिज स्टूडेंट्स टू बी साइलेंट वाइल ही वॉज टीचिंग, वो तो बस इतना चाहते थे कि जब वो पढ़ाएं उस टाइम पे बच्चे शांत रहे। तो यार हर टीचर यही चाहेगा, कौन सा टीचर ये चाहेगा कि जब वो पढ़ाए बच्चे बात करें या उधम मचाए। नेक्स्ट, वॉट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, वो ही मिस्टर कीसिंग, वो ही मैथमेटिक्स के टीचर जो इरिटेटेड हो जाते थे, चिढ़ते थे जब एन फ्रैंक बात करती थी, बाद में वो उसको क्यों अलाउ कर देते हैं बात करने के लिए। मिस्टर कीसिंग वॉज इम्प्रेस द वे एन रॉट हर लास्ट एसे इन फॉर्म ऑफ पोएम, आपको पता होगा कि वो बार बार उसको होमवर्क करने के लिए दे रहे थे, बार बार एसे लिखने के लिए दे रहे थे एज अ पनिशमेंट, लेकिन जब वो तीसरी बार उसको एसे देते हैं तो वो इसको इस बार पोएम की फॉर्म में लिखती है, जिससे जो टीचर है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ही अंडरस्टूड दैट द गर्ल वॉज नॉटी, और उनको ये समझ आ जाता है कि ये जो लड़की है एन फ्रैंक शरारती तो है लेकिन ये एक ब्रिलियंट यानी बहुत होशियार बच्ची है। So he allowed Anne to talk little bit in class. इसलिए वो थोड़ा बहुत बात करने के लिए उसको allow कर देते हैं। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? Children, अगर आपने ये story पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब वो story लिख रही थी तब उसको ये लगता है कि क्या लोग मेरी इस कहानी को पढ़ेंगे जो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं केवल 13 साल की हूँ, 13 साल की बच्चों की बातों पे तो दुनिया ध्यान नहीं देती, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है ये बच्ची कुछ दिखा रही है, इग्नोर कर रहे हैं। तो राइट आंसर देखिए, यस एन वाज राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। अब आप देख रहे हो पूरा, बस मैंने यस लगा के पूरा का पूरा यही से उठ, हाँ एन बिल्कुल सही है, जब वो ये सोचती है कि 13 साल के बच्चे की थॉट, म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, विचारों में कोई कौन इंटरेस्ट लेगा यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक अ चाइल्ड थॉट सीरियसली, क्योंकि ज्यादातर तो बच्चों की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। अकॉर्डिंग टू पीपल अ 13-year-old चाइल्ड इज क्वाइट इमेच्योर, लोगों के हिसाब से अगर लोगों की बात करें तो 13 साल का बच्चा बहुत ही इमेच्योर होता है एंड कैन नॉट राइट समथिंग वर्थ रीडिंग, और वो ऐसा ही क्या लिख देगा यार कि जो पढ़ने लायक हो। तो मतलब वो बिल्कुल सही सोच रही है कि कौन ही पढ़ेगा मेरी इस डायरी को। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, बड़ा सा लेकिन छोटा। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी ऑफ जनरल, इसमें ये सब नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट करना है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन,
जो एन फ्रैंक की डायरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट टाइम? इट वॉज ऑरिजिनली रिटन इन डच. डच क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है. इन वॉट वेज एन्स डायरी इज डिफरेंट, किस तरह से एन की डायरी है डिफरेंट है दूसरी डायरी से? इट हैज इनफॉर्मल टोन व्हाइल वी जनरली फाइंड पीपल राइट डायरी इन क्वाइट फॉर्मेट. चिल्ड्रन, अगर आपने कोई बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें प्रॉपर कॉमा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब मतलब फॉर्मल टोन में लिखी होती है. लेकिन जो उसकी डायरी थी, उसकी जो बुक पब्लिश हुई बाद में, वो पूरी तरह से इनफॉर्मल टोन थी, तो इसीलिए वो दूसरी डायरी से अलग थी. व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? वो अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच क्यों देती है? तो आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया था. एन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर. ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने वो ही लाइन कॉपी पेस्ट कर दी है. डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? वो किटी यानी अपनी डायरी को इनसाइडर मानती है या आउटसाइडर? मतलब इनसाइडर का मतलब होता है घर के लोग जिनको, जो बहुत क्लोज होते हैं, और आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग जो हमारे कोई खास क्लोज नहीं होते. इन फैक्ट, सचमुच में अगर बात करें तो किटी वॉज मियर अ डायरी. सचमुच में तो वो कोई पर्सन थोड़ी था, कोई इंसान थोड़ी था, वो तो बस एक डायरी थी. तो सचमुच में तो वो आउटसाइडर था. बट शी ट्रीटेड द डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड. लेकिन वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, यानी कि इनसाइडर ही मानती थी, अपना फैमिली का मेंबर मानती थी. How does Anne feel about her father, her grandmother, Miss Cuperius and Mr. Keesing? What do these tell you about her? तो वो अपने पापा के बारे में, अपनी grandmother के बारे में, Mrs. Cuperius के बारे में और Mr. Keesing के बारे में क्या सोचती है? Anne has great memories of, देखो बस मैंने इतना लिखा है, Anne को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी यादें हैं, किसकी? अपने पापा की, अपने grandmother की, Mrs. Cuperius की और Mr. Keesing की. भाई तभी तो उनके बारे में डायरी में लिख रही है. अब व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? इन सब बातों से हमें एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है? द वे शी राइट्स अबाउट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, जिस तरह से वो इन सब लोगों के बारे में अपनी डायरी में लिखती है, गिव्स अ क्लियर साइन. कहीं ना कहीं हमको एक क्लियर साइन मिलता है दैट एन हैड वंडरफुल एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिहेवियर एंड नेचर. भले से वो 13 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन उसको समझ थी लोगों का नेचर क्या है और उनके बिहेवियर की, तभी उसने इन सबको इतने अच्छे से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है अपनी डायरी में. व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे में? वो क्या लिखती है? एन एक्सेप्ट्स हर मिस्टेक. हालांकि वो अपनी मिस्टेक तो मानती है, दैट शी टॉक्स अ लॉट, कि वो बहुत बात करती है. बट शी ऑल्सो राइट्स दैट शी हैज गॉट दिस टॉकेटिव नेचर फ्रॉम हर मदर. लेकिन वो ये भी लिखती है कि भैया ये नेचर मुझे मेरी मम्मी से मिला है, सो शी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस. तो इसलिए वो इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, मतलब इसको सुधार नहीं सकती. एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में हम कुछ पता ना चल पाए, भाई कब वो गुस्सा हो जाए, कब वो नाराज हो जाए, कब वो एकदम से हंसने लगे, खेलने लगे, जिसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट ना कर पाए. क्या वो सचमुच में मिस्टर कीसिंग जो थे अनप्रेडिक्टेबल थे? तो देखो, यस, मिस्टर कीसिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इन द बिगनिंग ही सीम्ड सो स्ट्रिक्ट. भाई वो अनप्रेडिक्टेबल थे क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो वो कितने स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं कि बात मत करो, ये मत करो, होमवर्क दे देते हैं. बट लेटर ऑन ही चेंज एंड अलाउड एन टू टॉक इन क्लास. लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं और एन को भी अलाउ कर देते हैं बात करने के लिए क्लास में. चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में. देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. नेम ऑफ एन्स डायरी वॉज, एन की डायरी का नाम क्या था? स्वीटी, किटी, मिस्टर कीसिंग या मार्केट? ठीक है, आई होप इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.